गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। और आज का जो ब्लॉग है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आप सभी के कुछ सवालों के जवाब भी थे कि आपके मायके में कौन कौन है। तो चलिए आज चलते हैं मायके, और किस रीजन से, क्या वजह से मैं जा रही हूँ, तो वो भी आपको ब्लॉग में जरूर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जी पीछे हस्बैंड खड़े हुए हैं और हम अभी निकल रहे हैं, तो चलिए। और अभी हम जा रहे हैं घर पे, तो बस रास्ते में थोड़ा सा रुके थे क्योंकि ध्रुव को पकड़े पकड़े और सामान को पकड़े पकड़े मेरे हो रहा था थोड़ा सा कमर में दर्द, और हम लोग पहुंच नहीं वाले। वैसे यहाँ से बस अभी एक कम से कम कितने किलोमीटर है, 8 किलोमीटर की दूरी और है, तो बस हम पहुंच जाएंगे। तो बीच में हम रुके हुए थे, और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, इट्स अमेजिंग, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो चलिए अभी थोड़ा सा आप सबको व्यू दिखाते हैं, और ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अभी थोड़ा। और काफ़ी सारे व्यूवर्स के कुछ सवाल मुझे कंटिन्यू शुरू से लेके अभी तक आते हैं कि आप कहाँ रहती हो, मतलब आपका मायका कहाँ है, ससुराल कहाँ है। तो यहाँ की जो ग्रीनरी है उसके जो चर्चे हैं वो लगभग पूरे वर्ल्ड में मशहूर हैं, और आप सभी अब समझ जाइए कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। तो भी ये है देवभूमि उत्तराखंड, और उत्तराखंड एक ऐसी जगह है इंडिया की जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है अपनी हरियाली के नाम पर। तो यहाँ की ये हल्की फुल्की थोड़ी सी जो मार्केटिंग है, यानी जो सिटी इलाका है वो है ये, और इससे आगे ही हमारी जो मेन बस्ती है, कॉलोनी है, छोटी मोटी जो कॉलोनियाँ होती हैं वहीं पे मेरा घर है। और चलिए अभी थोड़ा बहुत बस मैं आपको ऑन द रोड से ही दिखा रही हूँ। उसके बाद जी घर हम एंटर हो चुके हैं, और काफ़ी डीपली मैंने कई बार ब्लॉग में अपने शूट किया हुआ है किस किस तरह से मैं घर पे आती हूँ। और अभी क्या था कि मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा था, बाइक पे जब मैं आती हूँ तो मुझे वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता, बिकॉज ध्रुव मेरे पास होता है। और यहाँ पे हम लेकर आए थे गर्मा गर्म समोसे, तो भाभी सब के लिए समोसा लगा रही हैं, और सभी से हाय हेलो मिलना वगैरह सब कुछ हो चुका है। बस थोड़ा सा भूख लग रही थी, और टाइम अभी लगभग 11 बज रहे थे, तो पूरे 11 बजे तक हम घर पहुँच गए थे, पहले ही पहुँच गए थे। बाकी थोड़ा सा मुझे बैंक का भी काम था, तो वो भी मैं करके आई हूँ, वहाँ का मैंने कोई शूट नहीं किया है। बैंक क्यों गई थी, तो वो भी एक रीज़न था क्यों गई थी, और कुछ खुशखबरी है तो वो आगे आपको ब्लॉग में देखने को मिलता रहेगा। तो आप कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, और जो भी चैनल पर पहली बार आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं मेरे। और जी अभी यहाँ पे भाभी बना रही हैं खाना, तो मैंने सबसे पहले दूध को गर्म कर दिया है, जो दूध मैं घर से लेकर आई थी क्योंकि वो कच्चा दूध था तो जल्दी से उसे उबालना ज़रूरी था। देखो अंदर कौन है, हेलो हेलो क्यूटी पाई, बाबू उठ गई सो के। तुम दिखाओ ना पैक है। ये देखो, आओ चलो बुबू देंगे। देखते हैं भाभी क्या बना रही हैं किचन में। तो भैया काट रहे हैं सलाद यहाँ पे खीरे का और टमाटर का, और भाभी जी बना रही हैं पूरियाँ। क्या बना रही हो भाभी? पूरियाँ बना रही हैं। और खाने में क्या बना है? मटर पनीर। मटर पनीर। तो खाना बन चुका है, वैसे बस पूरियाँ उतारनी रह गई हैं, और आप सब भी आ जाइए खाने के लिए खाना। तो लंच का टाइम हो गया हम लोगों का, और भाभी ने और मैंने सेम ही कलर पहना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। चलिए मैं पूरियां उतरवा लेती हूँ झटपट से। और तली हुई चीज़ें बनाने के लिए ना इस तरह की कढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, ये लोहे की कढ़ाई है, और इसमें सिर्फ फ्राइड फूड ही बनता है, जितना भी ऑयली फूड होता है, पूड़ी हो गया, पकौड़ी हो गया, पकोड़े हो गया, तो बहुत ही अच्छी कढ़ाई है ये। और मैं भी सोच रही हूँ इस तरह की कढ़ाई मैं लेकर जाऊँगी अब के जाऊँगी तो, और साथ में अभी पूरियाँ बन रही हैं तो बस खाना भी लग ही जाएगा, बिकॉज हमें लग रही थी भूख और दोपहर का हो गया था टाइम। और उसके बाद यहाँ मम्मी काट रही हैं पत्ता गोभी चाउमीन के लिए, और चाउमीन
ज्वाइन किस लिए? तो मेरे पापा जो हैं वो मतलब फास्ट फूड का थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं फ्री टाइम में, तो बस वही काम चल रहा था। और यहाँ चल रही थी मूवी, तो गाना आ रहा था बहुत ही बढ़िया सा, चुट्ठी आई है वाला, तो थोड़ा सा आपको शूट करा दिया है। उसके बाद यहाँ भैया भाभी की हेल्प करवा रहे हैं, जो कि हमेशा से ही करवाते हैं। तो मेरे आने की कितनी सारी तैयारियाँ यहाँ पर हो रही हैं, आप सब देख ही रहे हो। पूड़ियाँ बन रही हैं और साथ में बना था मटर पनीर, बहुत ही मज़ेदार सा, और खाना बहुत बढ़िया बना था। तो खीरे का सलाद था, और यहाँ पे सबका खाना लग चुका है, पापा ने खा लिया था। तो यहाँ पे छोटा वाला भाई, मम्मी, मैं और ध्रुव नहीं है साथ, शायद ये छोटा वाला बेबी था भाभी का, बैठा हुआ था भैया का, तो वही हमारे पास बैठा हुआ था। और खाना लग गया है, आ जाइए आप सब भी खाने के लिए लंच, बहुत ही मज़ेदार सा भाभी के हाथों का। और खीरे का सलाद है, टमाटर का सलाद है, उसके बाद जी सब लोग हम खा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे तो मैं हमेशा अकेले ही खाना खाती हूँ, आप सबने देखा ही होगा अक्सर ब्लॉग में, और अभी मैं सबके साथ खाना खा रही। तो खाना साथ में खाने का एक अलग ही मज़ा होता है, अलग ही एक फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। और खाना एक रोटी की जगह दो रोटी इंसान ज़्यादा खा लेता है जब हम किसी के संग साथ में खाना खाते हैं तो। और ये यहाँ पर सूख रही है दालें, तो ये उड़द है देखिए, थोड़ा सा इनमें मुझे लग रहा है कीड़ा वीड़ा लग गया है, तो मम्मी ने यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और ये है मलका मसूर बड़ी वाली, इधर थोड़ा सा राजमा है, और ये बीन है, वो मैं लल्ला के लिए डाल रही थी तो गिर गया। और ये मसूर की दाल, इधर मूंगी की दाल, और ये है कचिया उड़द। ये कचिया उड़द है या फिर मूँग है? अच्छा, ये साबुत मूंग है, मलका मसूर है, उड़द है। और इधर गेहूँ सूख रहे हैं पिसने वाले। और खाना खाने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अच्छे से आपको चीज़ों को और दिखा पाती, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं यहाँ दिखाने के लिए आप सभी को। और अभी टाइम लगभग शाम का ही हो रहा था, 5:30 बज रहे थे, और भाई जा रहा था रूम पे, और कल है इसका बर्थडे, तो मैं इसे रोकने की कोशिश कर रही थी कि रुक जा, पार्टी वार्टी मिल जाएगी खाने, और साथ में आप सबका भी बहुत अच्छा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। लेकिन ये रुक नहीं पा रहा था, बिकॉज़ इसके जो दोस्त लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब अनिल आएगा और हमें पार्टी देगा बर्थडे की। तो फाइनली आज इसका बर्थडे है। और उसके बाद जी यहाँ पे भाभी और मैं बैठे हुए थे, तो शाम के लिए कुछ फूड वगैरह जो हम लेकर आए थे, फ्रूट्स, वही मैं काट रही थी, खरबूजा है जिसमें। तो खरबूजा लेते टाइम पे मुझे बिल्कुल पहचान नहीं होती है कि कौन सा मीठा है, कौन सा खट्टा है, कौन सा फीका है मतलब। तो खरबूजा हमारे निकले थे फीके, बट इतने भी ज़्यादा फीके नहीं थे, ठीक ठाक ही थे, तो हमने हल्का हल्का नमक डाल के खा लिए थे। और मम्मी गई हुई थी अभी दूध लेने के लिए, तो ध्रुव को तो बस मस्तियाँ छा जाती हैं जब यहाँ पर आता है, तो एकदम खुला आंगन, बड़ा आंगन मिल जाता है खेलने के लिए, और घर में तो छत पे जाके इस तरह से खेलता है। और कुछ सिस्टर्स के मुझे कमेंट आते हैं कि आप जब भी मायके के ब्लॉग अपलोड करती हो तो हमें अपने मायके की बहुत ज़्यादा याद आती है, जो मतलब अदर कंट्रीज़ में रहती हैं। और एक दुबई की सिस्टर हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती हैं मेरे मायके वाले ब्लॉग देख के, और कहती भी हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है अपनी इंडिया की, और बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह रिश्तों में बैठना उठना सबका एक साथ होना कितना ज़्यादा मिस करता है मुझे, मैं ही जानती हूँ। तो भाई ये तो ज़रूरी होता है, लड़की चाहे विदेश में हो या अपने ही देश में हो, भले ही चाहे पड़ोसी के घर में ब्याही गई हो, लेकिन एक ये रहता है कि मायके की जो फीलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, ख़ासकर जब परिवार एक साथ मिल बैठ के हंसता बोलता खेलता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो इसीलिए, और ये दिन जो होते हैं वो एकदम गोल्डन डे होते हैं हमारे लिए, तो इनमें जीना एक बहुत अच्छा लगता है। गई बजरी, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो, पकड़ लो, ले आओ जल्दी दौड़ के, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। और ध्रुव और ध्रुव की नानी दोनों खेल रहे हैं बॉल, मम्मी भी पूरा बच्चा बन गई है ध्रुव के साथ में। ये देखो, ये देखो, बच बच जा रही है बॉल, बाबू मेरे पास है गोदी में, और इधर ये लोग खेल रहे हैं बॉल से, और मैं बाबू को खिला रही हूँ। देखिए छोटा बेबी, छोटा बेबी, सोना बेबी। ये है हमारे रात का डिनर, तो डिनर में है लौकी, और ये सबसे स्पेशल चीज़ चटनी, तो ये मैं थोड़ा सा खा चुकी हूँ, अभी खा रही हूँ, और आप सब भी खा लीजिए।
चटनी है और इधर मटर पनीर है जो दिन में बना था। लौकी और आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी है। अच्छा तुरई और आलू है, हाँ तोरी और आलू है, मम्मी बता रही हैं, तो बहुत ही टेस्टी है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। इधर मम्मी खा रही हैं, इधर मैं भी खा रही हूँ, और यहाँ छोटा बाबू मांग रहा है बट उसको अभी नहीं देंगे क्योंकि तीखा है खाना, और बहुत ध्रुव भी खा रहा है थोड़ा बहुत। और जी दोस्तों टाइम अभी लगभग हो रहा है, रात के 9 बज रहे हैं, और मैं क्या कर रही हूँ दिखा देती हूँ आप सभी को। ये देखिए सूजी के गोलगप्पे हैं बहुत सारे, और यहाँ रखा हुआ है पानी, तो चलिए आप सबको भी खिलाती हूँ गोलगप्पे। ये देखिए ये लड़का ना मुझे खाने दे रहा है ना खुद से खा रहा है, सूखे सूखे गोलगप्पे खा रहा है। तो चलिए आपको मैं सूजी का खिलाती हूँ, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी। तो मम्मी बनाती हैं मेरी। देखिए सूजी के गोलगप्पे हैं बहुत सारे हैं यहाँ पे, और ये मैंने इसमें थोड़ी सी भर ली है खटाई, और ये चने, और ये ठंडा ठंडा पानी। तो ये लीजिए आप सभी के लिए गोलगप्पा, यमी यमी टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये पानी तो इतना मज़ेदार है कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी मैं ये वाले ब्लॉग का एंड कर रही हूँ यहीं पे, और मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में। मम्मी आप सभी को बाय बाय बोल रही हैं, और आगे आने वाला जो ब्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ आप सभी के सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो चलिए ये वाला ब्लॉग मैं एंड कर रही हूँ यहीं पे, और मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में। नन्ना मेहमान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत प्यारा है, एकदम शांत रहता है, ध्रुव की तरह नहीं है शैतान बाबू, तो चलिए देख रहा है वो भी। बाय बाय, टेक केयर।